गुलबर्गा शहर के एम एस केमल इलाके में मौजूद इखरा लोअर एंड हायर प्राइमरी इंग्लिश मीडियम स्कूल की जानिब से 26 जनवरी के मौके पर एनुअल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी और कल्चरल प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया था। एलकेजी से लेकर 8th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट कर इस प्रोग्राम को कामयाब बनाया है। इखरा इंग्लिश मीडियम स्कूल एम एस केमल मदीना कॉलोनी में अपने क्वालिटी एजुकेशन के लिए जाना जाता है। इस प्रोग्राम में स्टूडेंट्स ने ड्रामा, डांस, सॉन्ग और दीगर कई एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर काफी खूबसूरत परफॉर्मेंस दिया है। स्कूल मैनेजमेंट और स्टूडेंट्स के पेरेंट्स ने तमाम स्टूडेंट्स के परफॉर्मेंस को देख खुशी का इजहार किया है। इखरा पब्लिक स्कूल में हुए इस प्रोग्राम का इनॉग्रेशन गुलबर्गा नॉर्थ एमएलए कनीस फातिमा के हाथों किया गया है और साथ ही साउथ एमएलए आलमपुर पाटिल और फराजुल इस्लाम एज ए चीफ गेस्ट यहाँ मौजूद थे। और इसके अलावा कॉर्पोरेटर अजमल गोला, कॉर्पोरेटर शेख हुसैन, पुलिस इंस्पेक्टर वाजिद पटेल, अब्दुल जलील सौदागर, नॉर्थ सीआरपी असलम बाजी और शाहिना असगर के अलावा दीगर कई लोग एज ए गेस्ट ऑफ ऑनर यहाँ मौजूद थे। स्कूल प्रेसिडेंट जनाब मोहम्मद मशाक साहब, सेक्रेटरी शमशाद बेगम, ट्रस्टी मोहम्मद अमान, प्रिंसिपल जैनब बेगम ने तमाम मेहमानों का इस्तकबाल कर शिरकत के लिए शुक्रिया अदा किया है। स्कूल ट्रस्टी मोहम्मद अमान, स्कूल स्टाफ और मोहम्मद शोएब शाहिद खान ने इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया था। इस स्कूल से मोहम्मद तसव्वुर नामी स्टूडेंट्स ने डिस्ट्रिक्ट लेवल एसए कॉम्पिटिशन में 3rd प्राइज हासिल किया है। एडुकेशन के साथ यहाँ एक्स्ट्रा कैलिकुलर एक्टिविटीज के लिए भी ज्यादा जोर दिया जाता है। स्कूल फैसिलिटीज की अगर हम बात करें तो यहाँ कंप्यूटर लैब, वेल क्वालिफाइड टीचर्स, नमाज रूम, स्पोर्ट्स ग्राउंड और दीगर कई फैसिलिटीज यहाँ मौजूद हैं। इखरा इंग्लिश मीडियम स्कूल में अगर आप अपने बच्चों का एडमिशन करवाना चाहते हैं तो आप स्कूल कैंपस को जरूर विजिट करें। मजीद तफसीलात के लिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। My love, yeah.
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जैसा कि अलमान एजुकेशन चैरिटेबल ट्रस्ट, इसका जो इस्टेब्लिशमेंट है 2014 में हुआ है, इसके अंडर में इखरा इंग्लिश मीडियम स्कूल 2015 में स्टार्ट किए, जबकि उस वक्त स्टार्टिंग में सिर्फ 14 बच्चे थे और उस वक्त स्कूल की भी हालत बहुत ख़राब थी। अल्हम्दुलिल्लाह आज सारा इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे जितने भी जो ट्रस्टीज़ हैं उनकी मेहनत के बदौलत आज अच्छा खासा जो है ना उसको इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी हुआ है। उसके साथ कंप्यूटर लैब भी है, नमाज का हॉल भी बनाया गया है। यहाँ पे बच्चे नमाज के साथ साथ दीनी और दुनियावी दोनों तालीम यहाँ पर दिया जाता है, जिसमें से आलिम और हाफिज़ दोनों भी स्टाफ है यहाँ पर। और उसके साथ साथ जो स्टाफ है सारे के सारे क्वालिफाइड स्टाफ हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह कम से कम 450 बच्चे यहाँ पे तालीम हासिल कर रहे हैं। और उसके साथ साथ उसकी वजह यह है कि यहाँ पे तालीम अच्छी होने के वजह से मैं समझता हूँ कम से कम एक एक पेरेंट्स के चार पांच बच्चे मेरे पास पढ़ते हैं। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पर फीस का जो ये है चार्जेस कंपेरेटिवली बहुत ही कम है। और ऑलरेडी क्या है मालूम है, नेक्स्ट ईयर 2024-25 के लिए एडमिशन्स का इंक्वायरीज भी चालू है और एडमिशन्स भी चालू हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। जबकि जो भी इंटरेस्टेड पेरेंट्स हैं आप जहाँ तक हो सके जल्द से जल्द हमारे जो HM है, HM यानी कि MSc BEd क्वालिफाइड है और इतने टैलेंट और इतने डेडिकेटेड हैं वो, और यहाँ पर बच्चों को तालीम के साथ साथ एक्टिविटी बेस्ड भी एजुकेशन दिया जा रहा है। इसलिए मेरे सारे पेरेंट्स के और ख़ासकर यहाँ पे जो मेरे बच्चे आते हैं MS की मिल से, आपका जो है शेख रोज़े से, अलम नाके से और हीरापुर से, और तकरीबन दूर दूर से बच्चे जो है ना मेरे पास पढ़ने के लिए आते हैं। इसलिए मेरी एक गुजारिश है पेरेंट्स से कि आप जहाँ तक हो सके, क्योंकि लिमिटेड सीट्स हैं, मेरे पास बैचेस नहीं है, क्योंकि एक ABC बैचेस अगर रहता तो क्या है मालूम है एडमिशन आप कभी भी और मिल सकता। यहाँ पे क्या है मालूम है सिर्फ ए सेक्शन रहने की वजह से जितना हो सके जल्द से जल्द मेरे पास क्या होता है एडमिशन फुल हो जाता है। और जो भी मेरी आवाज़ जो हमारे इस एरिया की हो, चाहे गुलबर्गा के कहीं से भी, जो एडमिशन करने के लिए इंटरेस्टेड है जितना हो सके उतना जल्द से जल्द जो है ना आके हमारे HM जो ज़ैनब बेगम है उनसे आके आप मिल सकते हैं। आज का जो प्रोग्राम है स्पेशली जो है कल्चरल एनुअल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन एंड कल्चरल प्रोग्राम है, इसमें टीचर्स की जो है ना बहुत बड़ी मेहनत होती है, उसके साथ साथ पेरेंट्स की भी बहुत बड़ी मेहनत होती है। और ये प्रोग्राम के लिए ख़ास करके अल्लम प्रभु साहब और हमारे जो कनीज फातिमा साहब, फराजुल इस्लाम साहब और शेख हुसैन साहब और हमारे जो यहाँ की जो CRP हैं जलील अहमद CRP और जो BO साहब हैं सोमशेखर अंशिनाल बोल के, इन्हों आ रहे हैं और हमारे मस्तान अली ECO उन्हों भी आ रहे हैं। और उसके साथ साथ हमारे जो मेरे ख़ास दोस्त जो वाजिद पटेल जो सर्कल हैं उन्हों भी यहाँ पे मेहमान के हैसियत से आ रहे हैं। इसलिए मेरी ये गुजारिश है कि ये टीचर्स की मेहनत और पेरेंट्स की मेहनत, मैं समझता हूँ कि इस इदारे का जो भी एक्टिविटी जो प्रोग्राम्स होंगे अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुल होगा। इतना कहते हुए मैं अपनी जगह ले लेता हूँ। शुक्रिया बहुत। आप आगे आने वाले दिन में आपका बच्चे ही आपका आस्ती संबंधना, आप एक मकान बनना एक खेत लेना जरूरत नहीं, आप बच्चे को पढ़ के अच्छा रीति अच्छा तरफ से उसको एजुकेशन दे के आगे आने वाले दिन में डॉक्टर इंजीनियर कौन सा तो बड़ा एक उनका डिग्री दिया तो आगे आने वाले दिन में उनके पाँव के ऊपर ढेर के आपको भी देखते उन्हों भी संभाल लेते। मेरा कहने के मतलब ये है थोड़ा मोबाइल और TV समझे बच्चे स्कूल से आने तक क्या भी देखो, बच्चे आने के बाद वो मोबाइल TV बंद रखो, नहीं तो आपके बाद आके बैठ के मोबाइल खींच लेके देखते बैठे तो उसके ऐसे एजुकेशन में थोड़ा कम होता है। मेरा मतलब ये है अब थोड़ा आप आने के बाद सब बंद रख के उसको आने के बाद क्या बोले आप स्कूल में क्या पढ़ाए आपको क्या होमवर्क दिए इतना पूछे तो उन्होंने आगे अच्छी तरह से उन्होंने भी रैंक को आता। मीडियम स्कूल के एनुअल फंक्शन में आए हुए तमाम पेरेंट्स टीचर्स ट्रस्टी जो मुझे बड़ी खुशी है यहाँ आकर, और आप लोगों को मैं मुबारकबाद देती हूँ। बच्चों को अल्लाह ताला पढ़ा लिखा के काबिल बनाए आप लोगों को बच्चों को, और जो स्कूल में तालीम होती है उसके बाद आप लोगों को भी घर पे थोड़ा अपना बच्चों का ध्यान रखना चाहिए,
थोड़ा उन पर ध्यान देकर थोड़ा उनको घर पर भी आप थोड़ा पढ़ाई करें तो और बच्चे ज़्यादा आगे बढ़कर इंशाल्लाह ताला आपके बच्चे कामयाब होंगे अच्छी तरह से और बड़े पोस्ट पे आपके बच्चे जा रहे हैं। मेरी ख्वाहिश है इंशाल्लाह ताला। और जो भी स्कूल के लिए फंड्स की जरूरत है इंशाल्लाह ताला मैं ज़रूर कोशिश करके दिलाऊँगी स्कूल को। और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। इखरा स्कूल इंग्लिश मीडियम स्कूल ये जो है ना 2015 में शुरू हुआ और सक्सेसफुली 15 से लेके अभी तक 24 तक सक्सेसफुली चल रहा है। 8 साल में अभी 8 स्टैंडर्ड तक ये स्कूल आ गया है। मैं लास्ट 2019 में यही स्कूल के एनुअल डे प्रोग्राम को आया था और आज मुझे फिर से हमारे मशाक साहब मेरे साथी हम दोनों एक साथ में पीयूसी कॉलेज में पढ़े हैं मशाक और मैं। तो इस कॉलेज का इस स्कूल का जो भी फंक्शन रंदे छोटा मोटा क्या भी रंदे हर इसमें मुझे वो कॉल करके बताते रहते हैं। बहुत अच्छी तरह से ये स्कूल चल रहा है। ऐसे ही नेक्स्ट आने वाले दिन में ये अभी जो ये प्राइमरी स्कूल है 8 तक उसके बाद हाई स्कूल भी यहाँ पर बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है। सभी स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के लिए मेरा कहना ये है कि ये एक अच्छा इंस्टीट्यूशन बन के आगे आ रहा है। इसमें आप सब लोग सपोर्ट करके इसको और तरक्की पे लाना होंगे। मैं आप सबको बोलते हुए मैं अपनी जगह लेता हूँ। आज हम लोग यहाँ पे आए हैं इकरा स्कूल में, यहाँ पे एनुअल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का सेरेमनी में हम लोग इनको इनवाइट किया है सर ने। तो यहाँ पे इस साल हम लोग टेक्नोलॉजी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की तरह से पार्टनरशिप कर रहे हैं विद इकरा स्कूल और हम लोग काफ़ी बच्चों के लिए यहाँ पे काम करना चाहते हैं ताकि वो थोड़ा डेवलप हो, उनका ग्रोथ, उनका पैशन, उनका करियर को पूरा शेप करना है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग मिलके विद इकरा स्कूल ले रहे हैं इस साल। तो यहाँ पे थोड़ा सा अपने एकेडमिक लेसन को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए उनको हम लोग वीडियो के थ्रू थोड़ा सा प्रोविज़न कर रहे हैं ताकि उनकी पढ़ाई में इंटरेस्ट रहे। प्लस आपके जो टीचर्स हैं उनको अपस्किल करना, उनके लिए ट्रेनिंग करना क्योंकि उन्हें मोटिवेट करना है बच्चों को, तो उन्हें मोटिवेट करना हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट एजेंडा है। और साथ साथ में कुछ वर्कशॉप्स बच्चों के लिए हमें यहाँ पे ऑर्गेनाइज करानी है ताकि बच्चा बहुत कॉन्फिडेंट रहे और उनको पता हो कि कैसे आपको वॉक करना है, कैसे आपकी पर्सनैलिटी होनी चाहिए, आपको लोगों को कैसे एड्रेस करना है, कॉन्फिडेंस हमें उनके अंदर बूस्ट करना है। तो इस साल हम लोग आपके जो क्लासेस हैं उसको भी डिजिटलाइज कर रहे हैं ताकि आप हाइब्रिड मोड में पढ़ाई कीजिए। चौक और बोर्ड के साथ साथ कहीं ना कहीं अगर आपको हर क्लासेस की वीडियो भी मिलेगी तो वो एक इम्पैक्ट बहुत अच्छा रहेगा। और मैं सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप इकरा स्कूल आइए और इस साल जो हमने यहाँ पर चीज़ें अडॉप्ट की हैं तो आप भी यहाँ का पार्ट बन सकते हैं और आप और भी लोगों को ये फैलाइए मैसेज कि इस स्कूल में ये स्कूल टेक्नोलॉजी बेस्ड लर्निंग हो चुका है और यहाँ पर इस साल हम लोग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फॉर स्टूडेंट्स फॉर टीचर्स एंड एज अ स्कूल इंटायर स्कूल हम वर्क कर रहे हैं। तो आप लोग आइए और इंजॉय करिए यहाँ पे लर्निंग एंड योर ऑल योर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। माशाल्लाह से प्रोग्राम बहुत बहुत अच्छा रहा। मैं आप तमाम सबको मुबारकबाद पेश करती हूँ, स्पेशली मैनेजमेंट की जो मेहनत है उसके लिए बहुत ही सराहने की जरूरत है। माशाल्लाह से दोनों गवर्नमेंट सर्वेंट होकर इतना इस इंस्टीट्यूशन के लिए मेहनत और कोशिश कर बच्चों को आगे लाना और उनका हौसला बढ़ाने की जो कोशिश कर रहे हैं, माशाल्लाह से दीनी और दुनियावी तालीम देकर यहाँ पर जो बच्चों की हौसला अफजाई कर रहे हैं इसके लिए मैं बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करती हूँ। मैनेजमेंट, स्टाफ, पेरेंट्स, स्टूडेंट्स सबको मैं बहुत बहुत दिल से की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करती हूँ। माशाल्लाह हर बच्चों का परफॉर्मेंस काबिल तारीफ था। जो बच्चा पढ़ाई में एजुकेशन में काबिल होता है, जिसकी काबिलियत होती है उसको टीचर्स इवैल्यूएट करते हैं और ये बहुत ही काबिल तारीफ है कि इतने छोटे छोटे बच्चों को इतने अच्छी तरह से प्रैक्टिस करा कर यहाँ स्टेज पे परफॉर्मेंस करवाना ये आसानी की बात नहीं है। टीचर्स
मैं आप तमाम को बहुत मुबारकबाद पेश करती हूँ। बहुत सारे बहुत ही अच्छे स्टाफ और मैनेजमेंट के पास आपके बच्चे पढ़ रहे हैं। मैं आप तमाम पेरेंट्स से गुजारिश करती हूँ कि अपने बच्चों का एडमिशन यहाँ पे कराएं, जहाँ ऐसी मैनेजमेंट हो जो बच्चों के फ्यूचर के लिए कोशिश है, उन्होंने अपना इतना कीमती टाइम अपने बच्चों के लिए निकाल कर अपने स्कूल के नाम के लिए, एक ऐसा होता है कहाँ भी हमारा नाम है तो ये बहुत ही काबिल तारीफ है। हर प्रोग्राम मैंने ऑब्जर्व की और तमाम मेहमान खुसूसी जो जो भी आंसर ने इन्वाइट किए थे वो सारे सब आए, और कनीस फातिमा महतमा कनीस फातिमा मैडम साहबा भी आज इतने बिजी होने के बावजूद भी यहाँ पर आकर टाइम दिए और इस फंक्शन को चार चांद लगाए। अलन प्रभु साहब और सारे अजमल दुल्हन जो जो चीफ ट्रस्टी थे, चीफ गेस्ट थे, सारे सब यहाँ पे मौजूद थे और प्रोग्राम बहुत ही कामयाब रहा प्रोग्राम, और हर एक प्रोग्राम को सराहा गया और बच्चों के टैलेंट्स को उभारने के लिए इतना कीमती टाइम दिए और यहाँ पे हमको भी आने का मौका और देखने और कुछ कहने का मौका दिए, उसके लिए मैं तमाम मैनेजमेंट की और टीचर्स की नॉन टीचिंग स्टाफ सबका मैं शुक्रिया अदा करती हूँ और बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करती हूँ। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एवरीवन। I am Zainab Begum Maniyar, the principal of Ikhra English Medium School, Medina Colony, MSK Mail, Gulbarga, which is established in the year of 2014, whose president and founder is Mr. Mashaq Sir, and the secretary, Mrs. Shamshad Begum, and the trustee, Mr. Aman Sir, which comes under the trust named as Al Aman Education and Charitable Trust. Everyone define their school as good as possible, but I want to define my school on the basis of truth and facts. First, let me tell you about my staff. Our staff is very well educated, qualified and masters having and degree holders teachers. Example, I'll give you MSc B8, BSc B8, MA B8 and BA B8, so on. Even they are very hardworking and very flexible. Even we have a Alima and Hafiz here. For hiring them, the basic reason is to provide the regional education and Dini Talim for our students, which is free of cost. Even for that sake, we have one Namaz room here, which is very particular to the students. Along with that, our teachers will have the same staff room where they will perform the Salah. Nextly, our students are here doing the HIFS from the 5th standard, Alhamdulillah. Even it is a very pride for us also. Our students are all-rounder because they are good at studies, they are good at sports and all manners. We focus on the overall development of the child and approaches towards the activity-based learning. That's why we are getting more strength year by year, Alhamdulillah. Because we feel quality education is more important than quantity education. So do visit our school, that is Ikhra English Medium School, Medina Colony, MSK Mail, Gulbarga. The admissions will be open soon for the academic year 2024-25. Remember, without education there is no future. If you want good future of your child, then come and visit the Ikhra English Medium School. For the admission sake, you can contact us. The number is 70226862. In the name of Almighty Allah, I conclude here. Thank you.